अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज मैं करूंगा इस वीडियो में कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ और बताऊंगा अपकमिंग मोबाइल्स कौन से हैं, कुछ मोबाइल की प्राइजेज जो चेंज हुई हैं वो देखेंगे और एक नई पॉलिसी आई है बजट के अंदर, नई पॉलिसी पर टैक्स लगा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी बजट की पॉलिसी से। अभी बजट के अंदर एक नई पॉलिसी आई है जिसके अंदर 2% टैक्स लगा है होलसेलर्स के अंदर। तो ये न्यू बजट पॉलिसी के अंदर 2% टैक्स लगा दिया गया है होलसेलर्स के अंदर, इससे मोबाइल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा इस पर हम बात करते हैं। मोबाइल की प्राइसेस तो इससे नहीं बढ़ने वाली है लेकिन यहाँ पे ये फर्क जरूर पड़ेगा क्योंकि इसमें डिस्काउंट पे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो परसेंटेज सेम दे रही हैं, वो प्राइस मोबाइल की से नहीं चेंज करेंगी। जैसे कोई मोबाइल अगर फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपये का है तो वो 40,000 रुपये का ही रहेगा, लेकिन यहाँ फर्क आने वाला है डिस्काउंट के अंदर। जिस तरह पहले हमें 40,000 रुपये का कोई मोबाइल 36,500 या 37,000 रुपये के अंदर मार्केट में मिल जाता था डिस्काउंट के बाद, लेकिन उसमें अब फर्क आ जाएगा, डिस्काउंट हमें इतना नहीं मिल सकेगा। अब वो मोबाइल अगर कोई 40,000 रुपये का मोबाइल है तो वो 38,500 या 38,000 रुपये का हमें मिलेगा, क्योंकि 2% एडिशनल टैक्स लगा दिया है होलसेलर्स के ऊपर। तो उससे होगा ये कि होलसेलर 2% ऐड करके रिटेलर्स को देंगे और रिटेलर्स पे उसके बाद वो डिस्काउंट मार्जिन कम कर देंगे। जैसे उनको 37,000 का मिला था तो उनको भी 38,000 रुपये का मिलेगा, तो 38,500 रुपये का सेल करेंगे। तो मोबाइल की प्राइस ऑफिशियल प्राइस तो नहीं बढ़ रही लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मोबाइल महंगे हो रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट कम होने वाला है। और ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई 3 जुलाई से, मार्केट में इसका स्टॉक भी जाना शुरू हो गया है, डीलर्स ने अनाउंस भी कर दिया है 2% टर्नओवर टैक्स के नाम से टैक्स लगाया गया है। तो इस वजह से मोबाइल्स महंगे हो जाएंगे, डिस्काउंट आपको कम मिलेगा, मोबाइल आपको महंगे मिलेंगे। हो सकता है अगर किसी के पास ओल्ड स्टॉक हो मार्केट में भी अवेलेबल हो, जिनके पास ओल्ड स्टॉक वो आपको पुराने रेट पे दे सकते हैं, वो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप पहले बाय कर सकते हैं, क्योंकि जब टाइम गुजर जाएगा तो स्टॉक नया आ जाएगा सबके पास, तो फिर वो आपको कम डिस्काउंट देंगे। कोई 40,000 रुपये का मोबाइल आपको 38,000 रुपये का मिलेगा, जो कि आपको पहले 37,000 रुपये का मिलता था। 2% टैक्स लगाया गया है नई बजट पॉलिसी में। इसके खिलाफ एहतजाज भी हुआ था परसों सदर मोबाइल मार्केट में, रैली भी निकाली गई थी डीलर्स ने, तमाम होलसेलर्स ने इस पर एहतजाज भी किया था, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ा नहीं है। तो होलसेलर्स ने इस पर इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी है और 2% टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, इससे आपको डिस्काउंट कम मिलने वाला है। उसके बाद कुछ रिसेंट मोबाइल प्राइस चेंज में बात करते हैं। वीवो वाई 15 की प्राइस चेंज हुई है। मैंने आपको बताया था जैसे ही डॉलर के रेट ऊपर गए थे कि कुछ मोबाइल की प्राइस बढ़ने वाली थी, और उसमें मैंने आपको बताया था वीवो की भी बढ़ने वाली है। वीवो सैमसंग की मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वीवो वाई 15 की प्राइस बढ़ी है। पहले इसकी 30,000 रुपये प्राइस थी और 2,000 रुपये इस पर इंक्रीज हुआ है, 32,000 की प्राइस हो गई वीवो वाई 15 की। इसके साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड भी बता देता हूँ, ओप्पो की तरफ से भी दो मॉडल्स की एक्सपेक्टेड है कि प्राइस बढ़ने वाली है। ओप्पो A5s 3GB रैम में 32GB रोम के वेरिएंट की प्राइस भी सुना है बढ़ने वाली है। इसके साथ ओप्पो A1k की प्राइस भी हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि इन दोनों मॉडल्स की प्राइस बढ़ने वाली है डॉलर की इंक्रीज की वजह से। अब हम बात करते हैं अपकमिंग मोबाइल्स पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स S4 लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान में, और इसकी मैं आपको न्यूज भी दे चुका हूं। इन्फिनिक्स S4 4GB रैम में 64GB रोम का वेरिएंट आ रहा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ जिसमें फ्रंट कैमरा लगाया गया है, 32MP का कैमरा। इसकी प्राइस भी मैं आपको लीक कर चुका हूं, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट लगा दी थी। इसकी प्राइस आई है 23,000 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है। 23,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया जाएगा इसको पाकिस्तान के अंदर। 4GB रैम, 64GB रोम, 32MP कैमरा, 23,000 रुपये की प्राइस के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। जल्दी आप चैनल पे इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी देखेंगे। इसके साथ ही ऑनर 9X भी आ रहा है, ऑनर 9X लॉन्च होगा जल्दी, क्योंकि जब हम देखते हैं हुआवे की तरफ से कोई मोबाइल लॉन्च होता है तो उसकी सेम स्पेसिफिकेशन वाला सेम फीचर्स वाला दूसरा मोबाइल ऑनर की तरफ से भी लॉन्च होता है। जब Y9 प्राइम 2019 लॉन्च हुआ है पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला, तो उसके साथ ही ऑनर का ऑनर 9X आ रहा है पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला, तो ये भी वही डिवाइस होने वाली है Y9 प्राइम 2019 का कंपीटिटर ऑनर 9X पॉपअप कैमरे वाला। इसके साथ Redmi 7A भी लॉन्च हो रहा है, Redmi 7A इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये Redmi 7 का लाइटर वर्जन है Redmi 7A। इसके साथ Samsung Galaxy A80 भी लॉन्च होने वाला है, और Samsung Galaxy A80 फ्लिप कैमरे वाला फोन होगा जिसका कैमरा फ्लिप करते हैं। इसमें फ्रंट पे आपको कोई कैमरा नहीं मिला, फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है, बैक कैमरे फ्रंट का भी काम करेंगे फ्लिप कैमरे के तौर पे, और ये भी जुलाई के एंड या अगस्त के स्टार्ट में लॉन्च कर दिया जाएगा पाकिस्तान में। और उसके साथ Samsung Galaxy Note 10 की लॉन्च डेट भी आ चुकी है, 7 अगस्त को उसको लॉन्च किया जाएगा ऑफिशियल। और 7 अगस्त की डेट इसलिए बता रहा हूँ कन्फर्म, क्योंकि इसके इन्विटेशन भी भेज चुका है Samsung, तो 7 अगस्त को ऑफिशियल Samsung Galaxy Note 10 लॉन्च कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक लीक न्यूज़ भी है, Realme A1 एक नया मॉडल आ रहा है Realme की तरफ से, Realme A1 इसका बॉक्स अभी लीक हुआ है इंटरनेट पे। तो Realme A1 एक लो एंड डिवाइस होने वाली है Realme की तरफ से, और ये कब लॉन्च किया जाएगा अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी सिर्फ इसका बॉक्स लीक हुआ है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे Realme X के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे होते हैं Realme X कब आ रहा है, Realme X कब आ रहा है। तो Realme X के बारे से अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। Realme X के बारे से हमने Realme वालों से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हमारा Realme X को पाकिस्तान में लॉन्च करने का इरादा नहीं है, जबकि Realme X की इंडिया के अंदर लॉन्च डेट आ चुकी है, 15 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान में इसको लॉन्च करने का इरादा नहीं है। उसके साथ ही Redmi K20 के बारे में काफी लोग पूछ रहे होते हैं, और Vivo के Z1 के बारे में काफी लोग पूछ रहे होते हैं। तो Vivo Z1 Pro की भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी मेरे पास, जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं वीडियो आपको बना दूंगा ताकि आप लोग अपडेट रह सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस से अपडेट रह सकें।